कोरबा-नवा छत्तीसगढ़ के लिए राज्य सरकार ने एक सूत्र वाक्य दिया है, नरवा गरवा घुरवा बारी गांवों में, तो इस सोगीय वाक्य के साथ विकास को तो किया ही जा रहा है। इसी सूत्र वाक्य के साथ शहर में स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम भी शुरू किया गया। सरकार की मंशा है कि शहर में इस योजना को साकार किया जा सके। नरवा गरवा घुरवा बारी, छत्तीसगढ़ के ये चार चिन्हारी। जी हाँ, यह नारा राज्य में हर एक की जुबान पर है। इस नारे के सहारे गांवों के साथ साथ शहर की तस्वीर और तकदीर को बदलने की शुरुआत की जा चुकी है। गांवों की तरह शहर के बाहरी हिस्सों में गौठान बनाया जा रहा है। इन गौठानों में सड़क पर घूमने वाले मवेशियों को रखा जाएगा। राज्य के सभी नगरीय निकायों में सरकार ने गौठान बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही शहर में घूमने वाले मवेशियों का प्रथम चरण में सर्वे का काम भी चल रहा है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा मवेशी पालकों से यह अपील भी की जा रही है कि वे मवेशियों को खुला में घूमने के लिए ना छोड़े। जन सहयोग से ही शहर को साफ सुथरा बनाया जा सकता है। इसके साथ शहर में नरवा कॉन्सेप्ट के तरह शहर के तालाबों को स्वच्छ रखने, रिचार्ज करने का काम, नालों को कचरा मुक्त रखने और उसे बांधने का काम भी किया जा रहा है। वहीं शहर में बारी की तरह छतों पर खेती को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, जबकि कचरा को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कलेक्ट किया जा रहा है। रायपुर नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे बताते हैं कि राजधानी में सरकार के सूत्रवाक्य की तरह काम की शुरुआत हो गई है। नरवा में पानी को बचा करके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हमने मजबूत तरीके से अपने वाटर लेवल को मेंटेन किया। इसी प्रकार घुरवा और बाड़ी और गरवा, तो हमने गौठान बनाने का निर्णय लिया। लगभग 20 एकड़ में हम एक बड़ा गौठान बनाने के साथ साथ रायपुर शहर में तीन और अन्य स्थानों पर हम गौठान बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस शहर में वो सारी चीजें जो स्वच्छता से संबंधित हों हम कर रहे हैं। ये सच है कि शहर में आज खुले में घूमने वाले मवेशियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं शहर के तालाब पटते और सूखते जा रहे हैं, जबकि नाले कचरों से पटते जा रहे हैं। ऐसे में भूपेश सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में नरवा गरवा घुरवा बारी सूत्र वाक्य को साकार करने की जो कल्पना की है वह काबिले तारीफ है, क्योंकि यह सही मायने में आज की जरूरत है। जरूरी है कि इसमें आम भागीदारी भी अधिक से अधिक हो, क्योंकि बिना जन सहयोग के शहर को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। फिलहाल सरकार शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिस उद्देश्य से काम कर रही है, उस दिशा में सरकार के सकारात्मक कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद है हमारा छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों के लिए मिसाल बनेगा। सहयोगी सत्यपाल सिंह राजपूत के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। उत्तराखंड के